बरेली में भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर शनिवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बरेली से बहेड़ी की ओर जा रही अर्टिगा कार का टायर फटने के बाद डिवाइडर फांदकर ये कार दूसरी ओर जा गिरी और डंपर से टकरा गई। हादसे के साथ दोनों वाहनों में आग लगने के कारण कार सवार सभी 8 लोग जिंदा जल गए और सूचना के बाद मौके पर SSP पहुंचे। फायर टीम ने आग बुझाकर वाहनों को हटाया। बहेड़ी निवासी सुमित गुप्ता की अर्टिगा कार बुकिंग में चलती है और बहेड़ी के नारायण नगला निवासी फुरकान ने बरेली के लिए कार की बुकिंग कराई थी। बहेड़ी के मोहल्ला जाम निवासी उवैस बारात बरेली के फहम लॉन में आई थी और इसी बारात में आने के लिए कार बुक कराई गई थी। बारात से लौटकर रात 11:15 ये लोग वापस बहेड़ी लौट रहे थे और भोजीपुर थाने के करीब सवा किलोमीटर बहेड़ी दिशा में ही दभौरा गांव के पास अचानक कार का टायर फट गया। कार सामने से आ रहे डंपर में जाकर टकरा गई और जोरदार आवाज के साथ कार में आग लग गई। कार को डंपर करीब 25 मीटर घसीटता हुआ ले गया, इससे डंपर के अगले हिस्से में आग लग गई। यहाँ पे भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी हुई है। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है ऐसा लग रहा है, और गाड़ी सेंटर लॉक थी तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज को निकाला गया है तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है, इनको भेजा गया है PM के लिए और अग्रिम विधायक कार्रवाई मौके पर कराई जा रही है। एक ड्राइवर जो था वो गाड़ी के नंबर